बिहार में निगरानी विभाग इन दिनों आय से अधिक संपत्ति मामले में अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पटना में स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में पटना सिटी के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के यहाँ दबिश दी है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में कैश और अन्य दस्तावेज बरामद होने की सूचना है। लगभग 3 करोड़ कैश मिलने की बात सामने आ रही है। फिलहाल ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के आवास समेत 4 ठिकानों पर निगरानी की छापेमारी चल रही है। निगरानी विभाग के विशेष सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजधानी पटना में 3 जगहों पर और गया में 1 जगह पर निगरानी विभाग के द्वारा ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। मिल रही जानकारी के अनुसार राजधानी पटना के सुल्तानगंज आवास में लगभग 20 लाख बरामद किया गया है। इसके अलावा कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं जिसका आकलन किया जा रहा है। आय से अधिक संपत्ति का मामला है। दरअसल बिहार सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ निगरानी विभाग, विशेष निगरानी विभाग और आर्थिक अपराध इकाई द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है। इसी कड़ी में ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान ड्रग इंस्पेक्टर के ठिकानों से दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। आप देख रहे हैं ईशा न्यूज़।